हेलो एनिमी फैंस, वेलकम टू मनाव प्राइम। ये है सुप्रीम कल्टीवेटर का एपिसोड 6। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड के शेड्यूल देखते हैं, वो टूर्नामेंट खत्म हो चुका है। उस टूर्नामेंट के टॉप 5 कल्टीवेटर डिसाइड हो चुके हैं। लूफी रैंक 1 पर है, येंका है रैंक 2 पर, और वो लेडी कल्टीवेटर होंग सुई रैंक 5 पर है। लूफी को इनाम के रूप में 10,000 गोल्ड कॉइन और क्यू गैदरिंग बिल की 2 बॉटल्स दी जाती है, जो कि लूफी के आगे कल्टीवेशन में काम आएगी। इसके बाद में 3 दिन बीतते हैं। वो सभी लूफी और सारे कल्टीवेटर्स 3 दिन बाद चैगलैंड कल्ट की तरफ एक जर्नी पर निकल पड़ते हैं, जिसमें लगभग आधा महीना लग जाता है। आधे महीने के बाद में वो चैगलैंड कल्टीवेशन पहुंचते हैं। ये एक तरह से कल्टीवेशन के स्कूल की तरह है, जिसमें सारे कल्टीवेटर्स एडमिशन लेना चाहते हैं। इस कल्टीवेशन स्कूल के अंदर एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिसके अंदर टूर्नामेंट के जो कि अभी भी खत्म हुआ है उसके पॉइंट्स भी काउंट होते हैं। जब वो सारे कल्टीवेटर्स वहाँ पहुँचते हैं, तब एंट्री एग्जाम शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले बोन फ्रेम टेस्टिंग की जाती है। इस एग्जाम के अंदर जिस कल्टीवेटर के अंदर केवल एक बोन फ्रेम होती है उसको 50 पॉइंट्स मिलते हैं, जिसमें 2 बोन फ्रेम होती है उसको 60, और जिसमें 3 बोन फ्रेम होती है उसको 70 पॉइंट मिलते हैं। सबसे पहले बारी लेडी कल्टीवेटर होंग सू की आती है। कल्टीवेटर्स को बस एक पत्थर के पास ही खड़ा होना पड़ता है। वो पत्थर खुद टेस्ट कर लेता है कि किस कल्टीवेटर के अंदर कितने बोन फ्रेम है। जैसे ही होंग सू उस पत्थर के पास खड़ी होती है, वो पत्थर जोर से चमकने लगता है, जिससे पता पड़ता है होंगसू के अंदर फ्रेम टाइप के ट्रिपल बोन फ्रेम है, जिससे होंगसू को 75 पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसके बाद में लूफी की बारी आती है। लूफी जैसे उस पत्थर के पास खड़ा होता है, वो पत्थर बिल्कुल भी नहीं चमकता, उसके अंदर किसी भी तरह का चेंज दिखाई नहीं देता। ये देखकर आसपास खड़े सारे कल्टीवेटर्स लूफी पे हंसने लगते हैं। एल्डर कहता है इसके अंदर ऑर्डिनरी बोन फ्रेम है, इसको 40 पॉइंट दिए जाते हैं। इसके बाद में सभी कल्टीवेटर्स को अपने बोन फ्रेम के हिसाब से अपने अपने पॉइंट्स मिल जाते हैं। फिर सेकंड राउंड शुरू होता है। इस राउंड के अंदर सभी कल्टीवेटर्स को 10-10 के ग्रुप में बांट दिया जाता है, और फिर इन सभी कल्टीवेटर्स का काम होता है खुद से कुछ स्किल्स को सीखना। एक फिक्स टाइम के अंदर कल्टीवेटर जितने ज़्यादा स्किल्स को सीख जाएंगे उनको उतने ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। सभी कल्टीवेटर सीखना शुरू कर देते हैं। हर कल्टीवेटर को इस राउंड को पार करने के लिए कम से कम 6 मूव्स को सीखना है। अगर वो 6 से कम मूव्स को सीखता है तो वो इस राउंड में फेल हो जाएगा। टाइम खत्म होने के बाद में लूफी के ग्रुप का शेन टू सबसे पहले आगे बढ़ता है, और फिर पता पड़ता है उसने केवल 4 मूव्स को सीखा है, जिससे उसे 40 पॉइंट मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लेडी कल्टीवेटर होंग सू और येंकाई ने 9 मूव्स को सीख लिया है, इसलिए उन दोनों को 75-75 पॉइंट मिल जाते हैं। इसके बाद में लूफी की बारी आती है। लूफी को देखकर सब लोग बहुत चौंक जाते हैं। लूफी ने काफ़ी सारी स्किल्स को सीख लिया है। एल्डर लूफी को देख कहता है इस लड़के ने 13 स्किल्स सीखा है, इसलिए इसे 120 पॉइंट दिए जाते हैं। इसके बाद में इस एंट्रेंस एग्जाम का 3rd राउंड शुरू होता है, जिसमें उन्हें एक कोहरे से भरे हुए एरिया के अंदर जाना होता है, और वहाँ से एक चीज़ को लेकर आना होता है जो कि उस कोहरे से भर एरिया के कहीं अंदर रखी हुई है। ये सुनने के बाद में लूफी और उसके ग्रुप के अंदर जितने भी लोग बचे होते हैं वो सब के सब उस कोहरे के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो सब उस कोहरे के अंदर जाते हैं, अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। लूफी कहता है मुझे ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर कई 100 किलो का वजन है, इस जगह का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। फिर थोड़ा और अंदर जाने पर वो उस चीज़ को ढूंढने लगते हैं। इसी टाइम पर बहुत सारे डीमंस उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। सभी कल्टीवेटर जोर से चलने लगते हैं, डीमंस का अटैक हो रहा है, सब के सब भागो, अपनी जान बचाओ। ये सुनकर कुछ कल्टीवेटर डर के मारे जोर जोर चलने लगते हैं, और कुछ इधर से उधर भागने लगते हैं। इसके बाद में हमें उस कोहरे के बाहर सीन दिखाते हैं। कुछ एल्डर्स उस कोहरे को देखकर आपस में बात कर रहे होते हैं। एक एल्डर कहता है इस बार ये कोहरा काफ़ी ज़्यादा गहरा है, इस कोहरे की वजह से इन सभी कल्टीवेटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा, और साथ ही इस कोहरे की वजह से अंदर की तरफ काफ़ी सारे इल्यूजन बन जाते हैं। मुझे पूरा यकीन है वो सब के सब कल्टीवेटर अब तक तो उस इल्यूजन के अंदर बहुत बुरी तरह से फंस चुके होंगे और इधर से उधर भागते हुए चिल्ला रहे होंगे। दूसरा एल्डर कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये सब करना जरूरी भी है। चैगलैंड कल्टीवेशन के अंदर एडमिशन लेने के लिए हर एक कल्टीवेटर को ये सब कुछ आना चाहिए, और ये तो हर साल ही होता है। तुम देखना इनमें से 4 और 5 बोन फ्रेम वाले कल्टीवेटर ही इस टेस्ट को पार कर पाएंगे। इसके बाद में हमें इस कोहरे के अंदर लूफी को दिखाते हैं। लूफी के ऊपर बहुत सारे स्नेक बीस्ट अटैक कर रहे होते हैं। लूफी अपनी तलवार घुमा घुमा के उन सभी को मार रहा होता है, उनमें से एक भी बीस्ट लूफी को छू भी नहीं पाता। वहीं इसी समय लेडी कल्टीवेटर होंग सुई इधर से उधर भाग रही होती है। वो भागते हुए सोचती है मैं यहाँ पर किसी भी तरह से मर नहीं सकती हूँ, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर हम देखते हैं होंग सुई के ऊपर काफी सारे घाव लगे हुए होते हैं। इसी टाइम पर उसके पीछे एक बड़ा सा बीस्ट आ जाता है। होंग सुई पीछे मुड़कर देखती है और फिर जोर से चीखती है। इसी के साथ हमें वापस से उस कोहरे के बाहर से दिखाते हैं। एल्डर्स उस कोहरे के अंदर से किसी के बाहर का इंतजार कर रहे होते हैं। टाइम खत्म होने वाला होता है। एक एल्डर कहता है टाइम खत्म होने वाला है, अगर कोई सही टाइम पर बाहर नहीं निकल पाया तो उसे एक तरह से फेल ही माना जाएगा। इसी समय दूसरा एल्डर कहता है वहाँ देखो कोई बाहर आ रहा है। फिर हमें भी उस कोहरे के अंदर एक शेडो दिखाई दे रही होती है, वो शेडो लगातार पास आ रही होती है। फिर हम देखते हैं ये लूफी है, और लूफी के हाथ में कोई अजीब सा पेंडेंट जैसा कुछ है।
वो एल्डर्स लूफी को देखकर ज्यादा खुश नहीं हो रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, ये लड़का ही क्यों। इसी के साथ ही बाकी कल्टीवेटर्स भी धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत देर कर दी है और ना ही उनके पास में वो अजीब सा पेंडेंट है। इसका मतलब वो सबके साथ फेल हो चुके हैं। वो सब बहुत थके हुए होते हैं। वो हफ्ते भी कहते हैं, लूफी हमसे पहले बाहर निकल गया, मुझे पूरा यकीन है उसने कोई ना कोई चीटिंग की है। एल्डर्स कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लूफी ने इस टेस्ट को कंप्लीट कर दिया है, इसलिए अब उसे फुल मार्क्स दिए जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। थोड़ी शाम हो चुकी है। लूफी एक होटल जैसी जगह पर आकर कुछ खाने लगता है। उसे पास ही में कुछ लोग बैठे हुए होते हैं जो कि आपस में गुइन सुई के बारे में बात कर रहे होते हैं। गुइन सुई लूफी की मंगेतर रह चुकी है। वो लोग कह रहे होते हैं, गुइन सुई बहुत कमाल की है, उसको कब से टेक्निक्स आती है। उसके पास में 4-स्टार वाटरबॉर्न फ्रेम है, इसी वजह से वो बाकी कल्टीवेटर से काफी ज्यादा हाई है। वो हर टेक्निक को काफी ज्यादा जल्दी सीख जाती है। इसी तरह से वो लोग काफी देर तक गुइन सुई की तारीफ कर रहे होते हैं, जो कि लूफी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लूफी सोचता है, अब मुझे भी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा और किसी भी तरह से गुइन सुई से आगे निकलना है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है। हमें अगले दिन सीन दिखाते हैं। लूफी को चैंगलैंड कल्टीवेशन के अंदर एडमिशन मिल चुका है। एक एल्डर लूफी से कहता है, चैंगलैंड कल्टीवेशन में 10 तरह की टेक्निक सिखाई जाती है, तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर लो तुम किस टेक्निक को सीखना चाहते हो। ये कहते हुए एल्डर कुछ बुक्स की तरफ इशारा करता है। लूफी उन बुक्स के पास में आता है और रेड फायर टेक्निक नाम की एक बुक को सेलेक्ट कर लेता है और फिर सोचने लगता है, स्काई बर्निंग टेक्निक क्वैंग कल्टीवेशन की सबसे शानदार टेक्निक है। स्काई बर्निंग टेक्निक टॉप 2 में आती है। इस रेड फायर टेक्निक को स्काई बर्निंग टेक्निक के बराबर समझा जाता है, इसलिए मुझे इसे ही सीखना चाहिए। ये सोचते बाद में लूफी उसी बुक को सेलेक्ट कर लेता है और फिर वहां जाने लगता है। वो एल्डर लूफी को रोकता है और उसे कहता है, तुमने काफी अच्छी टेक्निक को सुना है, इस टेक्निक के साथ में इस पिल्स को भी अपने साथ में रख लो और तुम्हें अगर किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो तुम मेरे पास में आ सकते हो। लूफी उस बोटल को लेकर उस एल्डर से थैंक यू कहता है और फिर उस चैंगलैंड कल्टीवेशन के अंदर चला जाता है। जैसे ही लूफी उस चैंगलैंड कल्टीवेशन के अंदर जाता है, अंदर जाते ही उसे जावली नाम का एक आदमी मिल जाता है। वो लूफी से कहता है, बहुत जल्दी में हो, मैंने कहीं से सुना है तुम्हारा नाम लूफी है। लूफी कहता है, नाम तो तुमने सही बताया है, अब बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है। जावली कहता है, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पास में कुछ पिल्स है, ऐसी ही और कई तरह की पिल्स तुम अपने कल्टीवेशन में यूज करने वाले हो। अब से तुम्हारा काम है येलो रैंक मिड गियर बीट हर महीने मुझे ला कर देना। अगर तुम ऐसा करते हो तो इसके बदले में मैं तुमसे वादा करता हूँ, इस पूरे कल्टीवेशन के अंदर तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, ना ही मैं और ना ही कोई और। लूफी कहता है, मुझे तुम्हारे सोफर की कोई भी जरूरत नहीं है, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपनी कोई भी चीज़ दे सकता हूँ। ये बिल्कुल बकवास है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। ये सुनकर जावली अपनी तलवार निकाल लेता है और फिर लूफी से कहता है, मैंने तुम्हें एक शानदार ऑफर दिया था, तुमने उसे रिजेक्ट करके एक गलती कर दी है। ये कहने के बाद जावली अपनी तलवार से लूफी पर अटैक कर देता है। लूफी भी अपनी तलवार निकाल लेता है और पहले उस अटैक को ब्लॉक करके और फिर अपनी तलवार को थोड़ा सा घुमाता है। उसके साथ करने से जावली की तलवार एक जगह ब्लॉक हो जाती है। ये देखकर जावली बहुत चौंक जाता है। वो सोचता है, ये तो इस चैंगलैंड कल्ट के अंदर अभी नया नया आया है, इसके बावजूद भी इसे ये स्किल आती है, इसने मेरी तलवार को एक जगह पर स्टक कर दिया है। इसके बाद में जावली कोई मूव चलने लगता है। इससे पहले ही लूफी अपना मूव चल देता है। लूफी अपनी तलवार घुमाता है और सीधे उसे जावली के गर्दन के पास में रोक देता है। इससे जावली बहुत ज्यादा डर जाता है। इसी टाइम पर वहां पे और भी कल्टीवेटर्स आ जाते हैं। वो लूफी को देख कहते हैं, तुम्हारा ये मूव काफी ज्यादा शानदार था, अब जरा मुझे भी तुम्हारा स्वागत करने का मौका दो। ये कहते हुए उनमें से कल्टीवेटर जिसका नाम चेंडो है वो तुरंत अपनी तलवार निकाल लेता है। इसके पास में 4-स्टार वाटरबॉर्न फ्रेम है। चेंडो अपनी तलवार से लूफी को अटैक करता है। लूफी अपनी तलवार से अटैक को ब्लॉक करता है और फिर चेंडो की तलवार को साइड में कर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन चेंडो के रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा हाई होते हैं। चेंडो तुरंत अपनी तलवार को अपने सामने ले आता है और लूफी के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और फिर से लूफी को पीछे निकल कर लूफी पर अटैक कर देता है। लूफी इस अटैक को डॉच करता है और फिर सोचने लगता है, इसका डिफेंस काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं, मेरा अटैक इससे भी ज्यादा शानदार है। ये कहते हुए लूफी वापस से चेंडो के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है। चेंडो फिर से अपनी तलवार की मदद से उस अटैक को ब्लॉक करता है। इस बार लूफी का मूव काफी ज्यादा अलग था। लूफी अपनी तलवार को अपने हाथ की फुल फोर्स से चेंडो की तरफ फेंक देता है। जैसे ही लूफी की तलवार चेंडो की तलवार टकराती है, चेंडो बुरी तरह से कांप जाता है। इसी समय लूफी भागते हुए वापस से चेंडो के पास में आता है और अपनी तलवार के ऊपर जोर से लात मारता है। जी फोर्स सीधे उस तलवार से होता हुआ चेंडो की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और चेंडो उछल के एक दीवार जाकर टकरा जाता है। लूफी के इस अटैक का फोर्स बहुत ज्यादा होता है, उस दीवार के अंदर ही छेद हो जाता है और चेंडो उस दीवार को तोड़ते हुए उस दीवार के आर पार निकल जाता है। ये देखकर आसपास के कल्टीवेटर्स कहते हैं, इसकी एबिलिटीज काफी ज्यादा शानदार है। फिर लूफी अपनी तलवार को वापस से अपने मैन में रख लेता है और फिर सबसे कहता है, क्या कोई और है जो कि मेरा स्वागत करना चाहे। और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। अब आपने इस सीरीज के काफी सारे एपिसोड को देख लिया है, मुझे पूरा यकीन है आपको समझ में आ चुकी होगी ये किस टाइप की सीरीज है। प्लीज इसके बारे में एक शानदार से फीडबैक कमेंट में बता के जाना।
क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे एक बहुत शानदार मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना। इस सीरीज के और भी शानदार वीडियोस इसी चैनल के ऊपर आने वाले हैं। नौ इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।